हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हैं यार? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज हम SST का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर के दो वीडियोस होंगे। थोड़ा सा लंबा है इस कारण से, क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है द नॉर्दर्न माउंटेंस। इस चैप्टर में हम तीन चीज़ें मुख्य रूप से पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, दूसरा हिमालय के बारे में और उसकी मुख्य श्रृंखलाओं के बारे में, जो कि तीन रेंजेज होती हैं हिमालय की, उनके बारे में, और हिमालय हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। द मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मतलब तो राजसी, भव्य। द मैजेस्टिक नॉर्दर्न माउंटेन्स फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के नॉर्थ उत्तर से उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक फैले हुए हैं, उत्तर से लेके उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक फैले हुए हैं। दे इंक्लूड लद्दाख, काराकोरम एंड द हिमालयन रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, इनके अंदर लद्दाख, काराकोरम और हिमालय की श्रृंखलाएँ आ जाती हैं। द हिमालयन रेंज इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स, हिमालय की जो श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो दुनिया में सबसे ऊँची श्रृंखलाएँ हैं। हिमालय इज़ अ संस्कृत वर्ड, हिमालय जो शब्द है वो एक संस्कृत शब्द से, संस्कृत का शब्द है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है दी अवॉर्ड ऑफ स्नो। ये अवॉर्ड का क्या मतलब होता है? अवॉर्ड मतलब होता है आवास, स्नो बर्फ, बर्फ का आवास, मतलब क्योंकि हिमालय के जो हिमालय ये पूरा साल बर्फ से ढका रहता है। दी हिमालय स्ट्रेचिज फ्रॉम काश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ आर कंट्री, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? काश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश की तरफ। द कंप्लीट स्ट्रेच मेजर टू अबाउट 2500 किलोमीटर्स, जो इसका पूरा फैलाव है वो लगभग 2500 किलोमीटर का है। इट इज़ 450 किलोमीटर वाइड इन काश्मीर, काश्मीर के अंदर इसकी चौड़ाई 450 किलोमीटर की है, मतलब कि कश्मीर में 450 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। एंड नैरोज डाउन टू अबाउट 160 किलोमीटर इन द नॉर्दर्न ईस्ट, और जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे ये पतला होता जाएगा, यहाँ से चौड़ा है और जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे पतला होता चला जाता है। द पीक्स आर नॉट वेरी हाई इन द नॉर्थ ईस्ट, पीक होता है, पीक मतलब चोटी, जो पहाड़ी की सबसे ऊँचाई वाली जगह होती है ना चोटी, वो आर नॉट वेरी हाई, बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं होती नॉर्दर्न ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में इसकी पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊँची नहीं हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न स्ट्रेच इज नोन एज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, और जो नॉर्थ ईस्टर्न का हिमालय का एरिया है हम उसको नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहते हैं, और पूर्वांचल या उसे पूर्वांचल कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन पीक्स आर कवर्ड विद स्नो ऑल थ्रू द ईयर, हिमालय के लगभग जो सभी चोटियाँ हैं, जो पर्वत ऊँचे ऊँचे पर्वत हैं, वो पूरा साल लगभग बर्फ से ढके रहते हैं। द हिमालयन रेंज कंप्राइजेज ऑफ थ्री माउंटेन रेंजेस, हिमालय की जो श्रृंखला है वो तीन माउंटेन रेंजेस से मिलकर बना है। दे रन ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, और ये श्रृंखलाएँ एक दूसरे के पैरेलल में, एक दूसरे के साथ में है बिल्कुल, एट डिफरेंट हाइट, और इनकी ऊँचाइयाँ अलग अलग हैं। दीज आर, कौन कौन सी श्रृंखलाएँ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है। द हिमगिरी और द ग्रेटर हिमालय, दूसरा द हिमांचल और मिडल हिमालय, द शिवलिक और द क्वार्टर हिमालय, ये तीन पर्वत श्रृंखलाएँ हिमालय की। द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द हाइएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, जो आपका हिमाद्री है या ग्रेटर हिमालय, ये सबसे ऊंचा है, रेंज का सबसे ऊंचा हिमालय। इट इज़ कवर्ड विद स्नो परमानेंटली, और उस पर हमेशा बर्फ रहती है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है ये। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लाइज इन द हिमालय हिमाद्री रेंज, और दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे श्रृंखलाएँ जो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, वो हिमाद्री रेंज के अंदर ही आती हैं। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, और दुनिया का जो सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट, लाइज इन दिस रेंज, हिमालय की श्रृंखला में पड़ता है वो। इट इज़ 8848 मीटर्स हाई,
माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है बच्चे, याद कर लीजिएगा 8848 मीटर्स एंड इज़ लोकेटेड इन नेपाल, और ये नेपाल में पड़ता है। तेंजिंग नॉर्गे ऑफ नेपाल एंड एडवर्ड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड वर द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द माइटी पीक। तेंजिंग नॉर्गे जो नेपाल के थे और एडमंड हिलेरी ये ऐसे दो जो न्यूजीलैंड के थे, ये ऐसे दो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले इस चोटी तक पहुँचे थे, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। दे स्केल्ड इट इन 1953 और इन्होंने इस पर कब विजय पाई थी 1953 में। कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8586 मीटर एंड अन्नपूर्णा जिसकी हाइट है 8091 मीटर और ऑल्सो ऑलमोस्ट सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमाद्री रेंजेस, ये भी हिमाद्री रेंजेस के हाईएस्ट पीक हैं। दीज पीक्स आर कवर्ड विद स्नो एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर और ये चोटियां हैं पर्वत की, ये पूरा साल इन पे बर्फ ढका रहता है। दीज थिक ब्लॉक्स ऑफ आइस समटाइम्स मूव डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स स्लोली, मोटे मोटे बर्फ के टुकड़े कभी कभी क्या होता है मूव डाउन नीचे धीरे धीरे स्लोप्स पे, स्लोप्स मतलब पहाड़ की ढलान होती ना, उसके जरिए माउंटेन से धीरे धीरे नीचे सरक के आ जाते हैं। दीज ब्लॉक्स ऑफ मूविंग आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स और इन्हीं ब्लॉक्स को, आइस के इन्हीं ब्लॉक्स को ग्लेशियर्स कहा जाता है। एज द ग्लेशियर्स मूव डाउन टू वार्मर रीजन्स, जैसे जैसे ग्लेशियर गर्म क्षेत्रों में नीचे की तरफ आते हैं द आइस बिगिन टू मेल्ट, बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। इट गिव्स राइज टू रिवर और जब बर्फ़ पिघलती तो नदियाँ बनती हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन ग्लेशियर्स, भारत की बहुत सी प्रमुख जो नदियाँ होती हैं वो हिमालय से ही निकल के आती हैं। रिवर गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, जैसे कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से बन के आती है। रिवर यमुना जो यमुना नदी है ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर एंड द रिवर ब्रह्मपुत्रा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द अक्सी ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्रा अक्सी ग्लेशियर से निकल के आती है। यमुना आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है, गंगा आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्रा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अक्सी ग्लेशियर। रिवर्स इंडस एंड सतलुज, जैसे नदियां हैं इंडस और सतलुज, अराइज नियर लेक मानसरोवर, ये कहाँ से निकलती हैं, मानसरोवर झील से निकलती हैं। दी हिमाचल और द मिडल हिमालय इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयन रेंज, जो दूसरा रेंज है हिमाचल का या जिसको मिडल हिमालय भी कहता है, वो आपका हिमाद्री के साउथ में लोकेटेड है, साउथ में पड़ता है दक्षिण दिशा में। इट रन्स पैरेलल टू द ग्रेटर हिमालय और ये ग्रेटर हिमालय जो है इसके साथ में ही चलता रहता, साथ में ही है। द माउंटेन्स इन दिस रेंज आर नॉट एज टॉल एज दोज ऑफ ग्रेटर हिमालय, जो हिमाचल मिडिल हिमालय या हिमाचल के अंदर जो पर्वत हैं वो इतने ऊंचे नहीं हैं जितने हिमाद्री के अंदर हैं, उतने ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते वहाँ पे। देयर स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट और उनके जो ढलाने हैं ये घने जंगलों से ढके हुए हैं जहाँ पे देवदार और पाइन के पेड़ पाए जाते हैं, जबकि जो आपका ग्रेटर हिमालय था ये पूरा साल लगभग बर्फ से ढका रहता था। दिस रेंज इज़ नोन फॉर लो लाइंग वैलीज, ये रेंज अपने घाटियों के लिए फेमस है बच्चे। एंड पासिस वैली आर लो लाइंग एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स, वैली क्या होता है, ये ऐसा एरिया था जो दो माउंटेन के बीच में पड़ता है, साइड साइड में माउंटेन और बीच में घाटी जगह। पासिस आर नैरो पैसेज, जो पास हैं जो रास्ते हैं वो बहुत छोटे पतले पतले हैं और गैप्स थ्रू माउंटेन्स, कह सकते हैं कि दो माउंटेन्स के बीच का थोड़ा पतला सा गैप होता है ये। शिपकिला और रोहतांग इन हिमाचल आर इम्पॉर्टेंट पासिस इन द मिडल हिमालयाज, शिपकिला और रोहतांग ये बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ के पासिस हैं जो कि मिडल हिमालयाज में पाए जाते हैं। कुल्लू मनाली, कांगड़ा, मसूरी, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, दलहौजी, श्रीनगर इन कश्मीर एंड दार्जिलिंग इन द वेस्ट बंगाल
आर ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सिचुएटेड इन दिस रेंज ऑफ द हिमालयाज। आपका कुल्लू मनाली, कांगड़ा, मसूरी, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, डलहौजी, श्रीनगर, दार्जिलिंग, ये सब बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं जो हिमाचल की रेंज में पड़ते हैं। द शिवलिक और द आउटर हिमालया इज द साउथ मोस्ट ऑफ एंड द लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। शिवलिक या फिर आउटर मोस्ट जो हिमालय है वो सबसे साउथ में पड़ता है और ये सबसे लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालय है, सबसे निचले हैं ये। इट लाइज एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, ये हिमालय के फुट हिल में पड़ते हैं। फुट हिल मतलब बिल्कुल तलहटी में सबसे नीचे। दिस इज कॉल्ड द तराई और इस इलाके को तराई कहा जाता है। द लोअर वैलीज इन द शिवलिक रेंज आर कॉल्ड डंस और जिसके अंदर वैलीज जो घाटियाँ पाती हैं उन्हें हम डंस कहते हैं। देहरादून इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच वैली, देहरादून एक एग्जाम्पल है इसी प्रकार की वैली का। दिस रेंज हैज़ थिक फॉरेस्ट विच आर होम ऑफ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। इन रेंजेस में बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों में अनेकों प्रकार के जंगली जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ और सरकार ने यहाँ पे कई सारे राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए हैं ताकि इन जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके, संरक्षित रखा जाए। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू टाइगर्स। इसी प्रकार का एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसमें टाइगर्स को प्रोटेक्शन दी गई है। उत्तराखंड में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इट इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क और साथ ही इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क यही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पीपल लिविंग इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवलिक प्रैक्टिस स्टेप फार्मिंग। जो लोग यहाँ रहते हैं शिवलिक में वो लोग क्या करते हैं, फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग करते हैं। पहाड़ी इलाकों में स्टेप फार्मिंग की जाती है, सीढ़ीदार खेती। दे ग्रो फ्रूट्स लाइक एप्पल, फ्रूट्स उगाते हैं जैसे कि सेब, पियर, प्लम एक्सेट्रा। दे ऑल्सो रियर कैटल और साथ ही वो जानवरों को भी पालते हैं। द काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालय, हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में बियॉन्ड रिवर इंडस बिगिंस द काराकोरम रेंज। इंडस रिवर्स की तरफ से काराकोरम रेंज शुरू होती है। हेयर लाइज इंडियाज हाईएस्ट पीक K2 और यहाँ पे इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी K2 है, ऑल्सो कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन, जिसको गॉडविन ऑस्टिन नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ 8611 मीटर टॉल, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। K2 इज ऑल्सो दी सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड और साथ ही K2 दूसरे नंबर पड़ता है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। द ईस्टर्न हिल्स, अब पूर्वी पहाड़ियों के बारे में देखना है। द ईस्टर्न हिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पूर्वांचल, ईस्टर्न हिल्स को पूर्वांचल भी कहा जाता है। दे आर द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस, हिमालय का ये पूर्व तरफ खिंचाव है, मतलब पूरी तरफ फैले हुए हैं ये। इन द ईस्ट पूर्व में द हिमालयस एक्सटेंड टू ऑल द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 स्टेट्स में फैला हुआ है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। द ईस्टर्न हिल्स आर नॉट वेरी हाई, ईस्टर्न जो ईस्ट में जो हिमालय का हिस्सा है तो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। द ईस्टर्न हिल रेंज ऑफ और द पूर्वांचल इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स लाइक पत्काई बम इन अरुणाचल प्रदेश। अब जो पूर्वांचल जो हिल्स हैं, पूर्वांचल का जो इलाका है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में इसको पत्काई बम कहा जाता है, नागा हिल्स नागालैंड में इसको नागा हिल्स कहा जाता है और मिजोरम में इसको मिजो हिल्स कहा जाता है। गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, मेघालय में इसको जयंतिया हिल्स या गारो खासी हिल्स भी कहते हैं। द ईस्टर्न हिल्स आर कवर्ड विद थिक ग्रीन फॉरेस्ट, ईस्टर्न हिल्स सारी की सारी ईस्टर्न हिल्स घने हरे जंगलों से ढका हुआ है। पीपल प्रैक्टिस स्टेप फार्मिंग ही है, यहाँ के लोग भी सीढ़ीदार खेती करते हैं। मौसम
लोकेटेड इन दिस रेंज, मौसिन राम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बाहर सबसे ज़्यादा बारिश होती है दुनिया की, इसी रेंज में लोकेटेड है। रिसीव दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी जो चैप्टर हैं इम्पॉर्टेंस हिमालय के हम कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और साथ में ही अगले वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए आप इस चैप्टर को वापस एक बार वीडियो के द्वारा रिवाइज करते रहिए, समझते रहिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।